अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की जीत पर आज प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सम्मानित किया गया है। बीजेपी संसदीय दल ने विपक्ष की हार और सरकार की बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को उनकी लीडरशिप को क्रेडिट दिया। थोड़ी देर पहले शुरू हुई बैठक में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाई गई, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को लड्डू भी खिलाया और इस अवसर पर मौजूद सभी सांसदों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री को सम्मानित करने में अपनी सहभागिता दिखाई। और ज्यादा डिटेल में इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ हुआ इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में? देखिए, प्रधानमंत्री को वहां पर सम्मानित किया गया, आपने सभी दर्शकों को दिखाया भी है और ये सम्मानित किया गया। सभी तरफ पर बीजेपी सांसदों का, वरिष्ठ नेताओं का यही कहना था कि जिस तरह से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, सभी का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने सवा घंटे के भाषण में दिया। इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। बड़ी जीत के लिए भी एनडीए को भी एकजुटता लगभग दिखाने की कोशिश की गई इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। भले ही शिवसेना वॉकआउट किया हो लेकिन विपक्ष के साथ नहीं था। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। यह पहली बैठक है, मैं बता दूं कि इस सत्र में, मानसून सत्र में, जो आज हो रही है। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण बिल है, तीन तलाक बिल है, ओबीसी बिल है, ये कैसे राज्यसभा में पारित हो इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के लिए और सरकार की भूमिका स्पष्ट करने के लिए। शुक्रिया रविंद्र कुमार इस अपडेट के लिए। तो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है।